दोस्तों, हम जब भी बॉर्डर शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक ऐसी जगह का चित्र आता है जहां पर चारों तरफ से कटीली तारों की दीवार बनी होती है और जवानों का कड़ा पहरा होता है। आम तौर पर बॉर्डर के पास सेना के जवान ही रहते हैं और वहां पर आम लोगों का जाना मना होता है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, हमारे पृथ्वी पर 195 देश हैं और इन्हीं देशों में कई देशों के बॉर्डर बहुत ही अजीब हैं, जिनके बारे में जानकर आपको हंसी भी आ सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम 5 ऐसे ही अनोखे बॉर्डर के बारे में जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नंबर 1, नीदरलैंड एंड बेल्जियम बॉर्डर। दोस्तों, इन दोनों देशों के बीच का बॉर्डर एक कस्बे से होकर गुजरता है जिसका नाम बारले नाजो है। दोस्तों, यह एक ऐसा अनोखा बॉर्डर है कि अगर आपको कोई छोटा सामान भी खरीदना हो तो आपको एक देश से दूसरे देश जाना पड़ सकता है। यह बॉर्डर इतना अजीब है कि यहाँ पर बने घरों का आधा हिस्सा नीदरलैंड में है तो आधा हिस्सा बेल्जियम में। इस इमेज में आपको एक रेस्टोरेंट दिख रहा होगा। आप देख सकते हैं कि यह रेस्टोरेंट का आधा भाग नीदरलैंड में है तो वहीं आधा भाग बेल्जियम में, यानी कि एक साथ आप दो देशों में बैठकर नाश्ता कर सकते हैं। नंबर 2, USA एंड कनाडा। दोस्तों, USA और कनाडा का बॉर्डर भी बिल्कुल नीदरलैंड और बेल्जियम के बॉर्डर की तरह है। इसका शहर डर्बी लाइन टाउन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और कनाडा दोनों ही देशों के बीच में पड़ता है। इस बॉर्डर पर रहने वाले लोग दो प्रकार की भाषा बोलते हैं, अमेरिकन इंग्लिश और कैनेडियन फ्रेंच। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस टाउन में रहने वाले कुछ परिवार अपना खाना USA में बनाते हैं और उसे कनाडा में खाते हैं। दोस्तों, इस जगह पर एक थिएटर बना हुआ है जो कि इन दोनों देशों के बीच में बना हुआ है, यानी कि बॉर्डर के बीचों बीच बना है। अगर कोई इस थिएटर के शो में हिस्सा ले रहा है और वह स्टेज पर है तो इसका मतलब यह है कि वह कनाडा में है। अगर वह शो को देख रहा है तो वह अमेरिका में है। दोस्तों, इसीलिए इस थिएटर के 2 एड्रेस हैं, एक अमेरिका के लिए और एक कनाडा के लिए। नंबर 3, रसिया एंड USA। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रसिया और USA के बीच हमेशा युद्ध की बातें चलती रहती हैं। दोस्तों, जब इन देशों के बीच कोल्ड वार चल रहा था तब डायमंड आइलैंड इन दोनों देशों का ही हिस्सा हुआ करता था। डायमिड आइलैंड दिखने में काफ़ी खूबसूरत हुआ करता था, लेकिन बाद में इसी आइलैंड को ही बॉर्डर बना दिया गया। जहां पर 2 आइलैंड मौजूद थे, अब एक आइलैंड USA के हिस्से में आया तो दूसरा रसिया के हिस्से में। इन दोनों आइलैंड के बीच की दूरी लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर तक है। दोस्तों, आपको बता दें कि ठंड के दिनों में ये दोनों आइलैंड पूरी तरह से बर्फ़ से ढक जाते हैं, जिसके कारण यहाँ के निवासी चलते चलते बॉर्डर पार कर लेते हैं और एक देश से दूसरे देश पहुँच जाते हैं। नंबर 4, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील बॉर्डर। दोस्तों, अभी तक आपने जितने भी बॉर्डर देखे हैं वो इंसानों द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन आपको बता दें कि कई ऐसे बॉर्डर हैं जो कि प्राकृतिक ने खुद बनाए हैं। ऐसी ही एक जगह है अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील के बीच में। यहाँ पर पराना नदी और इग्जाऊ नदी आकर मिलती है, जो कि इन तीनों देशों के बीच एक प्राकृतिक बॉर्डर का निर्माण करती है। इसीलिए इस जगह को ट्रिपल फ्रंटियर भी कहते हैं। दोस्तों, है ना कितना अजीब बॉर्डर। अभी तक आपने यह सुना था कि नदी पार करके एक गांव से दूसरे गांव जाया जाता है, लेकिन यहां तो आप नदी पार करके एक देश से दूसरे देश पहुंच सकते हैं। नंबर 5, स्पेन मोरक्को बॉर्डर। दोस्तों, स्पेन में एक छोटा शहर है जिसका नाम है क्यूटा। ये शहर उत्तरी अफ्रीका के पूर्वी तट पर बसा हुआ है और ये शहर मोरक्को से घिरा हुआ है। इस शहर पर और मेलिला नाम के एक स्पेनिश शहर पर मोरक्को अपना अधिकार बताता है, इसलिए स्पेन ने यहाँ पर 10 फीट ऊंची कटीली तारों की बाउंड्री बना दी है। फिर भी लोग इस बाउंड्री को पार करके स्पेन में आने की कोशिश करते रहते हैं और बहुत से लोग इसे पार करते समय घायल भी हो जाते हैं। नंबर 6, द 4 कॉर्नर मोन्यूमेंट। दोस्तों, हालांकि यह एक बॉर्डर तो नहीं है, लेकिन फिर भी यह अजीब तो ज़रूर है। ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्थित है और अमेरिका की इकलौती जगह है जहां पर अमेरिका की चारों राज्यों की सीमाएं आकर आपस में मिलती हैं।
अगर आप इस फोर कॉर्नर मोन्यूमेंट पर आते हैं तो आप सिर्फ एक कदम बढ़ाकर ही न्यू मेक्सिको से एरिजोना और एरिजोना से यूटा और यूटा से कोलोराडो राज्य तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि दुनिया के अजीबोगरीब बॉर्डर को देखकर आपको हंसी ज़रूर आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और अगर आप ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नीचे दिख रहे लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी सबसे पहले।